श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। कलयुग की ऐसी हवा है कि हर इंसान को कोई भी चीज के अंदर फायदा चाहिए। 99% आबादी जो है पूरे विश्व की, वो ऐसी है कि कोई भी काम करती है उसमें फायदा चाहती है कि ये कार्य करेंगे तो हमें फायदा क्या होगा। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों के अंदर भी इस चीज का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के गंगा में भी यह वर्णन आता है कि हम अगर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के गंगा सुनेंगे, भागवत कथा सुनेंगे तो हमें बेनिफिट यानी फायदा क्या होगा। इसलिए इंसान हमेशा फायदे की तरफ भागता है। फायदा हो तभी कार्य करें वरना ना करें। तो सत्संग श्री हरि की चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गंगा की चर्चा, रामायण की चर्चा, गीता जी की चर्चा और भी हमारे सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं, उन पर्वों पे जितने भी सत्संग हैं, उन सत्संगों में जो भी चर्चा हरि नाम की होती है उसमें फायदा ही फायदा होता है। आप ये कतई ना सोचें कि इससे हमें फायदा नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही फायदा होगा। तो आइए और बातों पे नहीं जाते हुए हम हनुमान चालीसा अगर पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होंगी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ अगर निरंतर कोई भी इंसान, कोई भी माता, बहने, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, जो भी किसी भी उम्र में है, छोटी सी उम्र से लेके और बड़ी से बड़ी उम्र तक इस हनुमान चालीसे में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं, आइए हम शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले जो दोहा है उसमें बताया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजी मनु मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के कृति यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज का जो सबसे पहला दोहा है उसमें ही बताया है कि उस परमपिता परमेश्वर का मैं वर्णन करता हूँ जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार चीज मुख्य होती हैं। किसी भी सत्संग में, किसी भी श्रीमद् भागवत कथा में कोई भी ज्ञान की चर्चा हो, पूरा सत्संग चलता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए। यानी मोक्ष, मुक्ति। इस संसार में आए हैं हम, करोड़ों योनियां हैं उसमें ना भटके हमारा मोक्ष परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में हम चले जाएं। दूसरा बताया, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए, हरव कलेश विकार। वैसे हनुमान चालीसा के अंदर अगर हम 10 दिन, 20 दिन या एक महीना भी अगर इसके बारे में खोल के बताएं तो नहीं बता सकते, क्योंकि संपूर्ण रामायण, संपूर्ण ग्रंथ सारे के सारे तुलसीदास जी महाराज ने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब अगर हम धर्म पे बात करें, अर्थ पे बात करें, काम पे बात करें और मोक्ष पे बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में डाल रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा है, सचिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए एक श्लोक है, एक श्लोक के अंदर पूरे 18,000 श्लोक हैं, सारे के सारे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान ये गंगा के पूरे श्लोक
जितने भी 18,000 श्लोक हैं, उनको एक श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, पूरी भागवत को एक उस श्लोक के अंदर डाल दिया। तो इसी प्रकार अगर हनुमान चालीसा को अगर हम पूरा पूरा खोल के बताएं आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट में छोटा छोटा हम बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ोगे तो उसको आपको क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे मिलेंगे। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपको ध्यान करता हूँ, आपका जो ध्यान है आपका सुमिरन करता है वो मैं आपका करता हूँ। आप जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है, कृपया कीजिए और आप मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कीजिए। देखिए क्या बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट मिला इसमें आपको, कितनी बड़ी बात है कि आप मेरे जो दुख कलेश हैं, शारीरिक मानसिक देही जो भी मेरे कलेश हैं, उन कलेशों को आप उनका हरण कीजिए और मुझ पापी को अपने श्री चरणों में जगह दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी की जय हो। हे प्रभु आपका ज्ञान और गुण सागर समान अथा है, हे कपीस आपकी जय हो। तीनों लोकों भूलोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक में आपकी कृति है। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे श्री राम दूत अंजनी पुत्र पवन सुत, आप अतुलित बल के भंडार हो। आपके अंदर इतना बल है, इतनी ताकत है आपके अंदर कि आप असंभव से असंभव कार्य को एक सेकंड में बढ़िया ही सुंदर तरीके से कर सकते हो। इसी तरह मेरी भी जितनी भी समस्या है, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी भी जितनी भी समस्याएं हैं आप उनको खत्म करें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आपका पराक्रम विशेष है, आप कुमति को दूर करते हैं और निर्मल बुद्धि वालों के साथी और संगी हैं। जिनकी बुद्धि बिल्कुल फूलों की तरह महकती है, आप उनके साथी हो, आप उनके हमेशा संग रहते हो। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका स्वर्ण जैसा शरीर है सोने के समान, और आप सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आप हाथों में वज्र और ध्वजा लिए हुए हैं, आपके कंधे पर मूंज के जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे केसरी नंदन, आप प्रभु शंकर जी के अवतार हैं, आपके यश और पराक्रम की वंदना पूरे जगत में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप सभी प्रकार की विद्याओं से परिपूर्ण हैं, अत्यंत गुणवान और चतुर हैं। प्रभु श्री राम के कार्यों हेतु आप सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राम जी की कथाएं सुनने में अत्यंत आनंद लेते हैं। श्री राम माता सीता और लखन जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। आपने अपना बहुत ही सूक्ष्म रूप सीता जी को दिखलाया और विकराल रूप धारण करके लंका को आपने एक मिनट में जला दिया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने अति विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। आपके आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, हर्षित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको हृदय से लगाया।
रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संबाई। श्री रघुपति परमपिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी भगवान ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको अपने प्रिय भाई भरत के समान माना। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। आपका यश हजारों मुखों से गाने योग्य है, ये कहकर श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद सहित अहिंसा। श्री सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि, नारद मुनि जैसे विद्वान, सरस्वती जी, शेष नाग जी, सभी आपका गुण गाते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां थे, कपि गोविंद कहीं सके कहां थे। यमराज कुबेर दिगपाल कवि विद्वान आदि अर्थात कोई भी आपके यश का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। आप इतने महान हो, हनुमान जी महाराज, आपका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रही विकिना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने प्रभु श्री राम से मिलवा कर सुग्रीव जी के ऊपर उपकार किया, जिसके कारण वह राजा बने। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके सुझाव का विभीषण जी ने भी पालन किया था, जिससे वह लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। युग सहस्र योजन पर भानु, लीनो ताही मधुर फल जानो। जो सूर्य कितने सहस्र योजन दूर पर स्थित है, उस पर पहुंचने के लिए युग लग जाते हैं। उस सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ कर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आपने स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को अपने मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। आपके लिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। इस सारे जगत के कठिन से कठिन काम भी आपकी कृपा से एक मिनट में सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवाले, होतन आज्ञा बिन पैसारे। आप स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना वहां प्रवेश करना नामुमकिन है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो कोई भी आपकी शरण में आता है, वह सारे भगत आनंद प्राप्त करते हैं। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किस बात का भय है। यही बात आ गई ना कि जो कोई आपकी शरण में जाता है, वह सारे भगत आनंद प्राप्त करते हैं। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किस बात का भय है। हम सभी भक्तों को किस बात का भय है। हनुमान जी महाराज आप हमारे साथ हैं, तो आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। आपके तेज के सिवाय, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने आपके हुकार से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब जब महावीर श्री हनुमान जी का नाम सुनाई देता है, तब वहां पर भूत पिशाच पास भी नहीं आते। सबसे बड़ा बेनिफिट सुन लीजिए, किसी भी प्रकार की लाग लपेट, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान प्रभु श्री राम जी हनुमान जी महाराज का नाम सुनाए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। ये सुन लिए जी फायदा। महावीर हनुमान जी आपके नाम का निरंतर जप करने मात्र से प्राणियों के सब रोग खत्म हो जाते हैं और उनकी सारी पीड़ा आप स्वयं आप हनुमान जी महाराज हर लेते हो। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे। बेनिफिट सुन लो भाई, फायदे ही फायदे सुनो। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे। हे हनुमान जी, जो कोई भी आपका मन क्रम और वचन से ध्यान करता है, उन सबको आप संकटों से छुड़ाते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सबसे बड़े तपस्वी व श्रेष्ठ राजा श्री राम है, उनके सभी कार्यों को आपने सहज ही कर दिया है।
और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे। आपके पास मनोरथ लेकर आने वाले को जीवन में सभी फलों की प्राप्ति होती है। ये सुनो जी फायदा है। आपके पास मनोरथ लेकर आने वाले को जीवन में सभी फलों की प्राप्ति होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप चारों युगों में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में फैला हुआ है। आपकी प्रसिद्धि से सारा जगत प्रकाश में है। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संतों कि आप स्वयं रक्षा करते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। श्री राम के आप अति प्रिय दुलारे हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान की माता आप आठ सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं। यह वरदान आपको जानकी माता ने दिए हैं। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा। आपके पास सारे संकटों को नाश करने वाले श्री राम नाम की औषधि है। आप सदा श्री रघुपति जी के सेवक बने रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से भक्ति श्री राम को प्राप्त होते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के जितने भी दुख हैं वो सब के सब प्रभु श्री राम हर लेते हैं। अंतकाल रघुवर पुर जाही जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भक्त अंतिम काल में श्री राम धाम बैकुंठ को जाता है जहां जन्म लेकर फिर कभी वापस नहीं आता। ऐसा ये है बेनिफिट, ये है फायदा हनुमान चालीसा का। और देवता चित्त न धरहिं हनुमत सेव सर्व सुख करहिं। हे हनुमान जी, आपके भक्तों को अन्य किसी देवता को चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा से सब सुखों की प्राप्ति होती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी जो महावीर जी हनुमान जी का सुमरण करता है उनके सब संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी गोसाई, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरुदेव के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंदी महा सुख होई। ये सुनो जी फायदा हनुमान चालीसा का बेनिफिट। दुनिया वालों कहते हो कि हमें फायदा चाहिए, फायदा सुनो हनुमान चालीसा का। जो सतबार पाठ करे कोई छूटे बंदी महा सुख होई। जो भगत सो बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे महासुख की प्राप्ति होगी, परम धाम में जगह मिलेगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा। जो ये हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शंकर स्वयं इस बात के साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में मंडेरा। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सदा श्री हरि का मैं सदा श्री हरि का चेला हूँ। हे नाथ आप मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे पवन पुत्र संकट मोचन मंगल मूर्ति हनुमान जी, आप देवताओं के देवता श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी सहित मेरे इस हृदय में निवास कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये सुने आपने हनुमान चालीसा के फायदे। हनुमान चालीसा जो सत्यबार पाठ करे कोई छूटे बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। आपके इस दुनिया के कलयुग में सबसे सटीक सबसे बढ़िया से बढ़िया अगर कोई पाठ है वो है हनुमान चालीसा का पाठ। आप कीजिए, इसके बेनिफिट कीजिए, देखिए आप स्वयं कीजिए। इसके अंदर आप बोलते हो कि हनुमान चालीसा में पाठ के अगर हम करेंगे तो हमें बेनिफिट फायदा क्या होगा। हर उम्र में, हर उम्र में बचपन से लेके अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बुद्धि बल बुद्धि
बुद्धि इतनी तेज होगी कि आप देखेंगे। एक बार करके दिखाइए अपने बच्चों को और आप पढ़िए। सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष सबसे पहले आया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, किस हिसाब से हो, तो ये छोटा सा हनुमान चालीसा एक विशाल रूप में आप सभी भक्तों के लिए है। इसका आप सभी निरंतर पाठ करें, विधि विधान से इसका पाठ करें, सुबह शाम करें, जब जी में आए तब हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको 100% बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। सभी दिशाओं से आप संकल्प के साथ जो भी मांगोगे, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी किसी भी प्रकार से, मैं क्या कह रहा हूं, जिस हिसाब से अगर आप अपने मन के अंदर संकल्प लेके, अगर आपकी बीमारी है तो आप उसका चिंतन करके भी मेरी बीमारी ठीक हो जाए हनुमान जी महाराज, तो ये पाठ करें, आपकी बीमारी खत्म होगी। दूसरी बात, पैसा नहीं आ रहा तो आप ये पाठ करें, आपके पास पैसा आएगा। कोई काम बनवाना है तो आप ये पाठ करें। अगर फंसे हुए हैं तो आप ये पाठ करें। अगर डर लग रहा है तो आप ये पाठ करें। इस हनुमान चालीसा के पाठ के अंदर ही सारे शब्द हैं। वो शब्द आपको बता देंगे कि आपको किस किस प्रयोजन के लिए हनुमान चालीसा किया जाता है, किस किस प्रयोजन, क्या क्या चीज चाहिए। कमाल की बात है, इस हनुमान चालीसा के अंदर ही दे रखी हो बातें, बताने की नहीं कि हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसको क्या क्या फायदा होगा। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस हनुमान चालीसा का आप दिन रात पाठ कीजिए, दिन रात हनुमान जी महाराज का चिंतन कीजिए। सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज आपकी सभी कामनाएं, आपके जितने भी मनोरथ हैं उनको पूर्ण करेंगे। आपके घर के अंदर सुख शांति, पैसा, मां लक्ष्मी विराजमान हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष की आप सभी को प्राप्ति हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।